9 साल की बालिका के साथ मंदिर के पीछे रेप, पॉस्को सहित दुष्कर्म की धाराओं का मामला दर्ज। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे के आरोपी के खिलाफ एक मंदिर के पीछे 9 साल की बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है। पोहरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को सहित दुष्कर्म की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जानकारी के मुताबिक पोहरी कस्बे के भगवती कॉलोनी के रहने वाली 9 साल की बालिका की मां ने बीती रात पोहरी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरा पति मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ 15 दिन पहले गया हुआ था। मैं अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ घर में अकेली रह रही थी। 23 जुलाई को मेरे घर एक रिश्तेदार का निधन हो गया था, जिसकी अंत्येष्टि में शामिल होने गई हुई थी। 23 जुलाई की शाम 6 बजे जब मैं वापस लौटी तो मेरी बेटी ने बताया कि आज दोपहर में हनुमान मंदिर पर खेलने गई थी। इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला धतनी नामदेव आ गया, जिसने मेरे साथ मंदिर के पीछे ले जाकर मुझे निवस्त्र कर गंदा काम करने का प्रयास किया। मैंने धनी नामदेव को नोच लिया और भाग कर अपने घर पहुंची। पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर पोहरी थाना पुलिस ने आरोपी धनी नामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 का खा 511, 506 भादवी 5M 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबृत कर विवेचना में लिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।